योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि अगर आपके गैस गीजर में ऐसा हो रहा है जैसे अभी आपने इस क्लिप में देखा, तो इसकी फॉल्ट फाइंडिंग आप कहां से शुरू करोगे और इसकी फॉल्ट फाइंडिंग क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस फॉल्ट की फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे उसके बारे में बताऊँगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है ये किस कंपोनेंट से संबंधित है। क्या सर्किट बॉक्स में प्रॉब्लम आती है, क्या फिर आपके सेंसर में प्रॉब्लम आती है, क्या फिर जो मैग्नेट इसके अंदर है उसमें प्रॉब्लम आती है? दोस्तों, इस फॉल्ट में होता क्या है कि जैसे ही आप गीजर को ऑन करते हो तो आपकी जो फ्लेम है वो कुछ सेकेंड के लिए जलेगी, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो, और जलते ही वो बंद हो जाएगी। लाइटर चलते रहेंगे और कुछ देर के बाद लाइटर भी बंद हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा। तो दोस्तों, इसका फॉल्ट का सलूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा ताकि वो जो मैं फॉल्ट बताऊंगा वो कहीं आपसे स्किप ना हो जाए। इसलिए बेहद शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कम से कम समय में मैं आपको इसकी फॉल्ट फाइंडिंग बता पाऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखकर समझ ही गए होंगे कि यह फॉल्ट क्या होता है, जैसे ही आप गैस गीजर ऑन करते हो उसमें आग एक बार आपकी फ्लेम लाइटर चलते हैं और फ्लेम चलती है कुछ सेकेंड के लिए और साथ के साथ बंद हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि गैस गीजर लो प्रेशर टाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि यह कैसे काम करता है। जैसे हमारे ठंडे पानी वाली पाइप होती है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, और जो ये सेंसर होता है, ये सेंसर हमारे इस सर्किट बॉक्स को सप्लाई देता है, यानी कि इसका एक स्विच होता है जो पानी का नल खोलते ही मैग्नेट इसके पीछे चला जाता है और यहाँ से ये ऑन हो जाता है और हमारे सर्किट बॉक्स को सप्लाई देता है, जिससे कि हमारे लाइटर ऑन होते हैं और हमारी फ्लेम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले है ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है और हमारा गैस गीजर चल जाता है। लेकिन जैसा आपने फॉल्ट में देखा, तो इस फॉल्ट में क्या होता है कि फ्लेम कुछ देर जलेगी और साथ के साथ बंद हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको बैटरी बॉक्स चेक करना है, ना ही आपको जो हमारा सेंसर है इस पर फोकस करना है। हमें फोकस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले पे और हमारे इस थर्मोकट स्विच पे। लेकिन इसमें भी अगर आपने ध्यान से देखा हो कि इसमें आपकी जो फ्लेम है वो कुछ ही सेकंडों में बंद हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का फॉल्ट होता तो आपका वो टाइम कुछ बढ़ जाता, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को खोलना नहीं है, क्योंकि इससे इस पर जाने से पहले आपको एक कंपोनेंट को देखना जो मैं आपको बताऊंगा, और इसको खोलते हुए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए आपको सबसे पहले वो ईजी काम करना है, जिससे आप करने के बाद गैस गीजर दोबारा चला कर देखेंगे, और उसके बाद फिर आप का गीजर अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले पर जाना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यह जो फॉल्ट है, यह फॉल्ट हमारे इस थर्मोकट स्विच से संबंधित है। जैसा कि अभी आपने गीजर को मैंने जब चलाया तो वो कुछ ही सेकंड चला, अब मैं आपको दोबारा चलाकर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, गीजर को मैंने दोबारा चला दिया और हमारा गीजर बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो दोस्तों, क्योंकि मैंने जो हमारा ये थर्मोकट स्विच है इसकी एक वायर को निकाल के रखा था। अगर आपके इस थर्मोकट स्विच की एक वायर कहीं से कट जाती है या फिर आपका ये थर्मोकट स्विच ख़राब हो जाता है, तो उस अवस्था में आपकी जो फ्लेम है वो कुछ ही सेकंड चलेगी। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसकी एक तार को निकाल दिया और जैसे ही अब मैं देखिए गीजर को चलाऊँगा, आप ध्यान से देखिएगा फ्लेम हमारी कुछ ही सेकंड में जली और साथ के साथ बंद हो गई। तो आपको सबसे पहले इस थर्मोकट स्विच को चेक करना है, इसकी कोई वायर कट तो नहीं गई, कोई थिंबल में रस्ट तो नहीं आ गया। उसके बाद फिर हमें देखना है इसको बदल के, आपको इसे नया लगाना है। लेकिन नया अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो, इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको
ये दोनों थिम्बल निकाल लेने हैं जो हमारे इस थर्मोकट स्विच में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इनको आपको मिला देना जैसे कि मैंने मिलाया हुआ है, यानी कि इनको आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद आपको गैस गीजर को चलाकर देखना है। अगर आपका गैस गीजर चल जाता है तो इसका मतलब कि आपका ये थर्मोकट स्विच बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल काम नहीं करता। अगर इसके मिलाने के बाद भी ये आपका गैस गीजर ना चले तो आप समझ लीजिएगा कि आपके सर्किट बॉक्स में से सर्किट कट गया है, यानी कि ये जो तार है हमारे सर्किट बॉक्स में से घूम के हमारे इस पूरे सर्किट को चालू करती है। अगर फिर भी ना चले तो इसका मतलब कि सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये थर्मोकोट स्विच चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपका गैस गीजर चल पड़ेगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन इससे इतर एक फॉल्ट और हो सकता है हमारे इस थर्मोकोट स्विच से, जो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपका गीजर कुछ देर चला, मान लीजिए आपका गीजर 2 मिनट चल गया और उसके बाद बंद हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये थर्मोकोट स्विच होता है इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पानी को ये सेंस करता है। अगर पानी का तापमान इससे ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है, यानी 100 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो ये ऑटो कट कर देता है जो इसका काम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह स्विच अपनी सेंसिंग पावर खो देता है, और जैसे ही पानी 40 डिग्री या 50 डिग्री तक गर्म होता है तो भी यह ऑटो कट कर देता है। उस अवस्था में भी आपको ये दोनों थिम्बल निकालकर इसे मिलाकर देखना है, और फिर गीजर को कंटिन्यू चालू करके देखना है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका थर्मोकोट स्विच ख़राब है या सही है। लेकिन आपको एक हिदायत मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि आपको ये तरीका सिर्फ चेक करने के लिए ही इस्तेमाल करना है। आपको इस टाइप में तारें मिलाकर इसे कंटिन्यू रन नहीं करना या कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप एक नुकसान देने वाली प्रक्रिया का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो थर्मोकोट स्विच होता है ये हमारी सेफ्टी और हमारे गीजर की सेफ्टी लगाया जाता है, ताकि गीजर मान लीजिए अगर लगातार चल जाता है या पानी का प्रेशर काफ़ी गर्म हो जाता है जिससे इसमें आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हमारे ये थर्मोकोट स्विच सेंस करने के बाद हमारे गैस गीजर को बंद कर देता है, यानी कि सप्लाई को बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये वो फॉल्ट है। अगर इससे संबंधित फॉल्ट आपके गैस गीजर में है तो आप इसे बदल कर इस फॉल्ट को सही कर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश यही थी कि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में यह समझा पाऊँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ये मैं आपको हर बार कहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।